योगा से होगा, पर योगा से होगा क्या, आप हेल्दी रह सकते हैं, आप अपने फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं, आप अपने हेल्थ इश्यूज को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बात करने से नहीं होगा, योगा तो करना पड़ेगा। तो आज हम आ गए हैं योगा के एक और नए एपिसोड के साथ, जहां आप सीखेंगे कि जो मेरे जैसे बिगनर्स हैं, जिन्होंने योगा के बारे में सुना तो बहुत है लेकिन किया नहीं है, तो उनको कौन कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए जिससे वो रहेंगे हेल्दी एंड फिट एंड फाइन। तो आइए मिलते हैं। अगर आपने भी अभी तक योगा ट्राई नहीं किया है, सो दिस इज द टाइम। तो चलिए मिलते हैं बिना देर किए नीरू से, जो कि हैं योगा एंड हेल्थ एक्सपर्ट। नमस्ते। नमस्ते। अरे कहाँ चल रही है आज, जो भी आप काम कर रहे हैं बिल्कुल उसको पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि जो लोग योगा शुरू करना चाहते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले मैम थैंक यू सो मच कि आप हमें बताने के लिए तैयार हो गई। तो अब जल्दी जल्दी बता दीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बस थोड़ा सा ये देखना है, योगा करने से पहले आप 2 घंटे पहले कुछ खाएं, तो 2 घंटे आपका खाली पेट होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपको बहुत ज्यादा नी और बैक में प्रॉब्लम है तो आप सपोर्ट से योगा कर सकते हैं, डायरेक्टली आप आसन में एंटर नहीं करेंगे। और नहीं तो ऐसे कोई भी ज्यादा डूज एंड डोंट्स नहीं है योगा के, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी योगा कर सकता है अपनी स्पीड के और पेस के अकॉर्डिंगली। क्या बात है, तो सुन लिया ना आपने, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आप योगा कर सकते हैं। तो मैम शुरू करें। बिल्कुल, खड़े हो जाइए। तो आज हम एक नॉर्मल सिंपल बिगनर्स क्लास करेंगे, जो कोई भी, दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। ओके, तो थोड़ा बहुत मोबिलिटी से स्टार्ट करते हैं हम। तो आप पहले शोल्डर मोबिलिटी से स्टार्ट करते हैं हम। आप थंब इनसाइड मेक अ फिस्ट एंड हम 10 फॉरवर्ड और 10 बैकवर्ड रोटेशंस करेंगे। 1, सांस भरते हुए इनहेल, 2, ऐसे करते करते आपकी 10 फॉरवर्ड, अब नाउ आगे 1, सांस भरते हुए इनहेल। और एक बातों का ये भी ध्यान रखिए, कुछ भी एक्सरसाइज करते वक्त आप अपना पेट थोड़ा पकड़ के रखें, जिससे आपके बैक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब नाउ ओपन योर शोल्डर, हैंड्स इन फॉरवर्ड, ओपन 1, दिस इज फॉर अपर बॉडी राइट नाउ, क्योंकि योगा में अपर बॉडी का यूज भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, सेकेंड, डाउन हैंड डाउन, इनहेल अप, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ देर आपने करा। अब नाउ पुट योर हैंड ऑन द नीज, थोड़ा नीज की रोटेशन करते हैं। ये मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रही हूँ जो शोल्डर पेन, नी पेन और इसके डर की वजह से योगा छोड़ देते हैं। तो पहले आप मोबिलिटी करेंगे 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, लोग डर जाते हैं एक्चुअली मैम। बिल्कुल, लेकिन वो बिगर मोबिलिटी के सीधा आसन में घुसते हैं, इसीलिए इजी चेंज। ओके, नेक्स्ट बैलेंस, आप किसी की सपोर्ट भी ले सकते हैं, वॉल की सपोर्ट भी ले सकते हैं टू डू दिस। नाउ डन, हमारी थोड़ी सी मोबिलिटी हो गई है। तो जैसे हमने देखा कि सूर्य नमस्कार सभी को आता है। अब जैसे कि मैंने ये देखा कि लोग कहते मैं 108 सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे तो आप 108 के डबल भी कर लेंगे लेकिन बॉडी में फायदा नहीं होगा। अगर आपने एक ही सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से सीख लिया, परफेक्ट पैर आपके टच हो रहे हैं, नीज आपके जा रहे हैं, फ्लैट टो पैर पीछे हो रहा है, तो आपके लिए 11 सूर्य नमस्कार इनफ है इन अ डे। मतलब जो बिगनर्स है वो 11 से शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अच्छी तरह। 11 भी परफेक्टली करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज पूरे दिन की, पूरी बॉडी के लिए परफेक्ट, पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि इसके अंदर 12 आसन है तो आपके सारे आसन कवर हो जाते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई मैम। और अगला अब हम बैठ के करते हैं, कि हम कुछ सिंपल बिगनर्स आसन कर रहे हैं, इसलिए बैठिए। अब अपने दोनों पैर स्ट्रेट स्ट्रेट बैठ के, बिल्कुल आप हमें ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, झुक के स्ट्रेट करना है, बिल्कुल शोल्डर्स रोटेटेड बैक। ओके, हैंड्स अप, ये हम थोड़ी देर दंडासन में बैठेंगे, इसी आसन में बैठने की पहले प्रैक्टिस करिए। ओके, इसका फायदा क्या है मैम? इसका, आपकी स्पाइन जितनी सीधी और फ्लेक्सिबल लंबी रहती है उतनी आपकी उम्र कम लगती है। ओके, ये तो आप जरूर करेंगे ना, है ना? आप देखते होंगे ओल्ड लोगों की स्पाइन झुक जाती है। हाँ, अगर जितने ही आपके शोल्डर पीछे स्पाइन सीधी रहेगी उतनी आपकी उम्र कम लगेगी। ओके, मतलब आपका पोस्चर भी अच्छा होगा। पोस्चर अच्छा होगा, बिल्कुल, डेफिनेटली। नाउ फॉरवर्ड बेंड, पश्चिमोत्तान आसन, कोशिश करिए स्टमक टू दी थाइज। ओके, एंड देन चेस्ट
एंड देन फोरहेड टू द नीज और द शिन इजीली. अब मैं अलका को कैसे दिखाती हूँ अलका पर कि वो कैसे करेंगी जिससे और बेटर पोजीशन हो जाएगी. हैंड्स अप. तो आपने किसी की मत और स्ट्रेट हो गया. अब नाउ फ्रॉम वन वर्टिब्रे टू अनदर हेड अप अलका. हाँ जी. तो अभी आपकी पोजीशन यहाँ है. व्हेन यू एक्सहेल इनहेल एंड एक्सहेल पे यू हैव टू पुश मोर. ओके. नाउ आप देखेंगे आपके पूरे पैर पीछे से हैमस्ट्रिंग वगैरह स्ट्रेच हो रही है. पूरा ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है. हाँ बिल्कुल. एंड बस डन. अब जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसका हमें दैट्स इट उसका हमें काउंटर पोज करना जरूरी होता है. ओके. अब ये इस आसन में ज्यादातर लोगों की बैक खिंचती है तो बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए हम इसका काउंटर पोज जरूर करते हैं. हैंड ऑन द बैक स्ट्रेच एंड इसको हम रिवर्स प्लैंक भी कहते हैं. लाइक दिस. हर आसन का काउंटर पोज इसलिए जरूरी है कि आपकी बैक में जरा भी कोई भी स्ट्रेन आया हो तो उसका स्ट्रेंथन भी हो जाएगा हाथ का. एंड डाउन सिंपल. नाउ इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन विच इज वेरी गुड फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन. ओके. अब कहते हैं ना कि हमारी बॉडी अल्कलाइन रखी है. आप देखते होंगे कि लोगों कितनी एसिडिटी रहती बहुत है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. तो उनके एसिडिटी रहने से सेल्स वीक होते हैं. जब सेल्स वीक होते हैं तो देन यू बिकम लेटर और सूनर अ कैंसर पेशेंट. तो आपको अपनी बॉडी हमेशा अल्कलाइन रखनी है. तो व्हेन वी डू दिस आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन आई विल टीच यू हाउ टू डू इट. तो इससे आपका लैक्टिक एसिड पेट का प्रोड्यूस होता है और आपकी बॉडी अल्कलाइन रहती है. एंड दिस इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज. सो प्लेस योर राइट लेग डाउन एंड लेफ्ट लेग अप. तो आपने अपना जैसे राइट हैंड उठाया एंड उसको अच्छे से अपने पेट के पास ये वाला हाथ करा. दूसरा हाथ उठाया और उसको पीछे रखा एंड पूरा स्पाइनल ट्विस्ट करा. लुक देयर, लुक बैक. दिस इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट फॉर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन टू कीप योर बॉडी अल्कलाइन. ओके. वेरी गुड फॉर इंटरनल ऑर्गन्स. यू आर मसाजिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स नाउ. नाउ चेंज द साइड, चेंज द लेग. लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग अप. विद योर लेफ्ट हैंड होल्ड योर राइट लेग फॉर्मली. पेट अपना भींच के अच्छे से. राइट हैंड अप. प्लेस देम एट द बैक एंड ट्विस्ट. सेंटर. नाउ कंफर्टेबली अब आपके चार पांच इंपॉर्टेंट आसन हो गए हैं. एंड देन वी कैन डू. आप ये कहना चाहते हो कि अगर ये चार पांच आसन हम करें तो शुरुआत योगा की यहाँ से खूबसूरत शुरुआत कर सकते हैं. बिल्कुल डेफिनेटली. एंड इसके बाद आप प्राणायाम करके अपनी क्लास एंड करके अपना डे रीस्टार्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच नीरू. तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ट्रेंड्स नाइन की वेबसाइट पे भी आपको विजिट करना है एक बार और हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये भी बताएं कि अगला योगा आपको कौन सा देखना है.